नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे ओस्टो कैल्शियम सिरप के बारे में, इसका उपयोग आप किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओस्टो कैल्शियम सिरप का उपयोग शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल विटामिन डी, विटामिन B12, हृदय से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। ओस्टो कैल्शियम सिरप का इस्तेमाल कुछ ऐसी बीमारियों में किया जाता है जैसे कि विटामिन डी की कमी में, विटामिन B12 की कमी में, शरीर में कैल्शियम की कमी में, हृदय से संबंधित बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसमें कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह सिरप आप किसी भी स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसे लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों हर किसी दवा के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं हल्के मोटे। दोस्तों अगर आपको लेने के बाद इसको हल्की मोटी उल्टी सी उल्टी हो सकती है या जी मचल सकता है आपका, हर किसी ना किसी दवाई के कोई ना कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो दोस्तों इसे लेने से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगर आपको बुखार है या कोई अन्य बीमारी है तो आप डॉक्टर से एक बार पूछ कर लें इसे। दोस्तों अगर आप धूम्रपान करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो भी एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। दोस्तों यह दवा ओस्टो कैल्शियम सिरप, यह कैल्शियम की कमी को पूरा करने में बहुत ही फायदेमंद है। यह हड्डियों को मजबूत बनाती है और आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, डॉक्टर से पूछ लें आपको कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।